हेलो गाइस, तो मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमैटिक्स चैप्टर, यानी कि जो हमारा 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स चैप्टर को। ठीक है, तो देखो काइनेमैटिक्स में अब नाम से कुछ तो समझना पड़ेगा कि काइनेमैटिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि इन सब से रिलेटेड हम सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज, तो हम क्या चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट विद न्यूमेरिकल्स, हम क्या करेंगे इस वाले चैप्टर के साथ में डील करेंगे। तो हम फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो जैसे कि दो केसेस के साथ में मैं शुरू करती हूँ, या पहले जर्नल देख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे बेसिक चीज क्या होती है, हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस से ही आपकी क्या निकलती है, स्पीड, उसी से एक्सेलरेशन। यानी कुल मिला के इस चैप्टर का जो आपका बेस है, जो नींव है, वो कहाँ से शुरू होती है, डिस्टेंस से। तो देखो हमारे पास में जो डिस्टेंस होता है, आपके पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास में स्पीड इनटू में टाइम के बराबर। तो ये एक तो क्वेश्चन अपना यही बन गया, क्वेश्चन मींस के फॉर्मूला बन गया हमारे पास में कि आपके पास में क्या है, इसके बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम के बराबर। तो यहां से अगर मैं किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकती हूं। अब देखो एक आप सुनोगे यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड और एक आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट, दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, एक फैमिलियराइज हो जाती है। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास में, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड क्या कहलाता है आपका, डिस्टेंस कहलाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास में ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। मान लिया कि आप कैसे चलना था, आप एक पॉइंट से इधर गए, मान लिया आपने ए से चलना शुरू करा, आप बी पॉइंट तक गए, बी से फिर आप मुड़ गए और इस सी पॉइंट के ऊपर आप पहुंच गए। ठीक है, मान लिया इस ए से बी तक का डिस्टेंस था 5 मीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस भी था 5 मीटर। ठीक है, अब देखो वहां से दो क्वेश्चन अराइज होंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितने डिस्प्लेसमेंट, असल में वो कितना चला, 5 मीटर यहां चला फिर 5 मीटर यहां चला। तो डिस्टेंस तो उसका कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर उसे ए से चलकर सी पॉइंट पर ही पहुंचना है तो इतना लंबा रास्ता नहीं लेगा, वो क्या करेगा ए से सीधा सी पे चला जाएगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी किसके बराबर होगी, एसी के बराबर। कि मान लिया हमारे पास में एसी वैसे तो क्या निकल कर आएगी, 5√2 निकल कर आएगी। तो मतलब जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, एसी के अंदर जितना भी रास्ता होगा, यानी एसी की वैल्यू जितनी भी होगी वो आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन असल में कि ए से बी जाए और बी से सी जाए वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट और लॉन्गेस्ट पाथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस। जैसे इसमें नहीं समझ में आया तो एक दूसरे पाथ क्वेश्चन से समझो कि मान लिया कि आपने क्या करा कि इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर पाथ था, एक इंसान को यहां से चलकर और यहां पर जाना था और इस सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस रही होगी उसकी कोई वैल्यू होगी आपके पास में। ठीक है, असल में तो क्या करना था, उस इंसान को यहां से चलते हुए और आपका इधर जाना था, तो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा। देखो पूरे के पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, तो ये क्या होगा उसका हाफ, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा, πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, लेकिन ये तो सेमी सर्कल था तो इसका आधा, यानी कि कितना उसने πr तो क्या ट्रेवल करा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा उसने। ठीक है यहां तक की बात, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, उसको ए से बी पॉइंट तक पहुंचना था तो वो ये वाला रास्ता नहीं, वो सीधा ए से बी चला जाएगा और ए बी की वैल्यू कितनी होगी, आर इधर से यानी डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में,
2r आ जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू पाई आर थी, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी? 2r हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास में जैसे अगर इससे भी कंफ्यूज होता है तो एक क्वेश्चन और देखो कि मान लिया कि कोई सर्कुलर पाथ है आपके पास में, एक इंसान ने ए से चलना शुरू करा और उसको वापस ए ही पॉइंट पर आना है, तो असल में वो डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल करेगा आपके पास में? 2πr। ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के अक्रॉस चला आपके पास में। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 2πr। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो अगर आप घूम कर उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हो तो ऐसे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जीरो। अगर उसे वापस यहीं पर ही आना था तो ऐसे मान के चलो कि वो चलेगा ही नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हो जाएगा कि वो चलेगा ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो, जब क्या हो, उसी पॉइंट पर वापस आना हो। ठीक है, तीन केसेस हो गए। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू में टाइम के बराबर। अब यहां पर हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, यानी दो टर्म्स हमारे पास में आती हैं। एक होता है स्पीड और एक होता है आपके पास में वेलोसिटी। ठीक है, एक स्पीड होगा और एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, और मान लिया कि अगर कोई इंसान स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, मान लिया उसे ए से बी पॉइंट पर जाना था, तो यहां तो कोई शॉर्टकट होगा ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो स्पीड और वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होती है? हम एक बराबर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक ही होती है। अब आगे चलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला असल में क्या हो जाएगा आपके पास में? डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम हमारे पास में, और जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम, हमारे पास में दो फॉर्मूले निकल कर आ गए। अब देखो आगे एक छोटी सी चीज और पूछी जाती है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये दोनों की दोनों होती है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस क्वांटिटी या फिर जिस टर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, मान लिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी या वेलोसिटी के बारे में बात करगी, तो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज हम उन चीजों को बोलते हैं। जैसे क्वांटिटीज में कौन कौन आ गई, जैसे वेलोसिटी एक क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी होगी, तो जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। यानी मान लिया आप 5 मीटर कहीं पर चले तो साथ में यह बता दिया जाए कि आप 5 मीटर नॉर्थ में गए, 5 मीटर साउथ में गए, कहां पर गए। अगर डायरेक्शन भी मेंशन की जाती है तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आपकी स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, यानी जिस चीज का क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है आपके पास में? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि जैसे 5 मीटर अगर आप नॉर्थ चले तो आप स्पीड बताओगे या डिस्टेंस आप बताओगे, तो डिस्टेंस में हम बोलेंगे बस वो 5 मीटर चला, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो ये भी बताओगे कि वो कौन से डायरेक्शन के अंदर गया। यानी वेक्टर क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होती है आपके पास में? डायरेक्शन भी बताई जाती है। ठीक है, हमारे पास में, और वेक्टर क्वांटिटीज को लिखा जाता है, मान लिया कोई क्वांटिटी ए है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर इस तरीके से एरो के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, आगे चले। अब देखो आगे चलते हैं हमारे पास में। हाँ, और अगर किसी चीज को मैग्नीट्यूड में लिखा जाए ना, तो या तो मान लिया मुझे इसको ए को ही लिखना था, ए के ऊपर मैंने इस तरीके से एरो लगा दिया तो ये वेक्टर बन गया। अगर मैं ओनली ए लिखती, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है, या फिर अगर इसके ऊपर वेक्टर का साइन हो और साथ में इस तरीके के दो स्ट्रेट आपके पास में लाइंस लगे हुए हो, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, तो भी वो क्या कहलाता है? आपका मैग्नीट्यूड ही कहलाता है। ठीक है, हमारे पास में यहां तक की बात। खैर, इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन अपने पास में क्या था? डिस्टेंस और वेलोसिटी से रिलेटेड बात। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहां से। तो आगे देखो, दो फॉर्मूलेज हमने पढ़ लिए। अब यहां से दो केसेस बनते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होते हैं, जिसमें से पहला केस है कि मान लिया केस नंबर 1 है कि आपके पास में कोई इंसान है ए से बी, वो आपके पास में गया, बीच में एक पॉइंट है सी। ठीक है, अगर उसने क्या करा, v1 वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल करा उसने हाफ डिस्टेंस, और बाकी का हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा किससे? v2 वेलोसिटी से। यानी अगर आपके पास में डिस्टेंस हाफ हाफ हो और आपको वो क्या बोल दे कि आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। कब? जब आपके पास में वो
बताओ, ठीक है आपके पास में एक केस। इसका जो सेकंड नंबर केस बनता है वो हमारे पास में क्या बनता है कि अगर आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को ए से बी जाना था, अगेन ये क्या करता है, पहले तो मैंने डिस्टेंस को हाफ ऑफ करा था, लेकिन अगर वो बोले कि जितना टोटल टाइम उसको लगा होगा उसका हाफ टाइम तो वो चला v1 वेलोसिटी से और बाकी का बचा हुआ हाफ टाइम वो चला v2 वेलोसिटी से, यानी मान लिया अगर उसे कहीं पर पहुंचने के अंदर 10 घंटे लग रहे हैं तो पहले 5 घंटे वो चला v1 वेलोसिटी से और बाकी के 5 घंटे वो चला v2 वेलोसिटी से, ठीक है। v1 और v2 आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हम जनरल फॉर्मूला अपने पास में क्या बन जाता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, v1 प्लस में v2 बाय में 2, यानी जो भी आपके पास में वेलोसिटीज की वैल्यू दे रखी होगी उनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे। v1 और v2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि मान लिया कि वो पहले 5 घंटे चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगले के वो आपके पास में क्या चला, अच्छा किलोमीटर बोल दिया ना मैंने, पहले 5 घंटे तो वो चला कितने से आपके पास में, मान लिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगले 5 घंटे वो कितने से चला, मान लिया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे v1 की जो भी दे रखी होगी, v2 की जो दे रखी होगी, ठीक है हमारे पास में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ गया हम कब यूज करते हैं, अगर डिस्टेंस हाफ ऑफ हो रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, और अगर टाइम हाफ ऑफ हो रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां तक की बात, आगे चलते हैं, अब हमसे जो और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक स्किन, ठीक है अपना बेसिक हो गया, अब आगे चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं, ये तो होगी एवरेज वेलोसिटी, अब होती है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लिया कि आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, क्या है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपको किसी पॉइंट पर कोई वेलोसिटी निकालनी है। मान लिया चलते चलते आप चल रहे थे और आपने बोल दिया कि भाई इतने छोटे से टाइम के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी, मान लिया 10 किलोमीटर का आपके पास में रास्ता था तो आपने बोल दिया कि भाई पहले 5 मिनट के अंदर सपोज उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी, या फिर जब उसने 5 मिनट तक वो चला तो उस 5 मिनट पे बस उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अलग अलग पॉइंट पे निकालते हैं एवरेज, तो क्या होता है टोटल वेलोसिटी एवरेज निकाली जाती है, ओवरऑल कितनी स्पीड से चला, यहां पर होती है किसी एक पॉइंट पर। जैसे और जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है dx बाय में dt करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास में कोई आपके पास में इक्वेशन इस तरीके से है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, सपोज इक्वेशन लेती हूं मैं, हाँ ये ले लेते हैं कि मान लिया कि आपके पास में डिस्टेंस दे रखा है कितने के बराबर, 3t² के बराबर, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी आपको और बोलेगा कि वेलोसिटी निकाल कर बताओ, तो ऐसे केस में वेलोसिटी हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास में क्या निकल कर आती है वेलोसिटी। इसको कैसे बोलते हैं, जो यहां पर अंदर लिखा होता है ना इसकी डिफरेंशिएशन की जाती है और जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट के अंदर की जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे x था तो मैंने क्या कर दी, इस x की डिफरेंशिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा dx की जगह पे क्या आ जाएगा 3t² अपॉन में dt, ठीक है। अब यहां पर ये भी देख लेते हैं डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो कि मान लिया कि 3 रूल होंगे, अगर आप किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सपोज मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दी, ठीक है, या टाइम के रिस्पेक्ट में करनी है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। मान लिया कि यहां पर आपके पास में क्या था, 3 था, ओनली 3 लिखा हुआ था, अगर आप किसी कौन अकेला है आपके पास में तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आती है, 0, और इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, यानी जब आप किसी कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमेशा क्या आती है, 0 आती है, यानी जब आपके पास में ओनली नंबर दे रखा हो, कोई 3, 4, 5, 6, 16, 17 कुछ भी दे रखा हो। सेकेंड केस है कि मान लिया कि आपके पास में यहां पर 3t दे रखा होता और इसकी डिफरेंशिएशन मुझे टाइम के साथ में करनी होती, तो अब जो यहां पर नीचे दे रखा है वो ऊपर भी दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 3 कांस्टेंट है ना, 3 थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो फिक्स नंबर है, तो ये कांस्टेंट तो आपका आ जाता है बाहर, और अंदर जो ये dt बाय में t बचता है ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो ऐसी डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3।
ठीक है, दो डिफरेंशिएशन के केस देख लिए। तीसरा डिफरेंशिएशन का केस होता है कि मान लिया कि आपको डिफरेंशिएशन करनी है और अंदर किसी चीज की पावर दे रखी है आपको, जैसे इस तरीके से। इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो मान लिया कि यहाँ पर सपोज मैंने डिस्टेंस की फॉर्म में ज्यादा मिलती है वैसे तो, चलो मैंने मान लिया इसको एक्स के रिस्पेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन करी, ठीक है, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया x की पावर कुछ n है, यहां पर x की जगह पे t भी हो सकता था, तो क्या होता है ये n तो आपका आगे आ जाता है, ये x as it is आ जाता है, और जो यहां पर पावर थी ना उसमें से हम माइनस वन करके आंसर लिख देते हैं, ठीक है हमारे पास में। अब देखो मान लिया अगर यहाँ पे टाइम की फॉर्म है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी d by dt of t की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा t और n की पावर हो जाएगी माइनस का वन। अब मुझे तो क्या करनी थी 3t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 3 तो कांस्टेंट था तो ये तो बाहर आ गया अपने पास में, तो 3 तो वैसे बाहर आ गया, और जब आप इस t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 तो आगे आ गया आपके पास में, मैंने 2t लिख दिया। अब क्या करना है, n था आपके पास में 2 तो इसमें से मैंने 1 को कर दिया माइनस, तो आंसर क्या हो गया आपके पास में 60, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास में क्या निकल कर आ गई 60 निकल कर आ गई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बताती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पर बेसिकली, कि देखो आपके पास में क्या बचा था d by dt of 3t square, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो नंबर है वो नंबर तो आपका आगे आ जाता है, बच गया ये t square, इसका मतलब क्या है t की पावर n, जो भी ये पावर होती है उसको हम n मान लेते हैं, और जब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो n आगे आ जाता है, ये t as it is रहेगा और जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस करके लिखना होता है, तो ये हो गया 3t, n कितना था आपके पास में 2, तो मैंने 2 माइनस का 1 करा था, इसीलिए ही यहाँ पर क्या आ गया था आपका 3t, और मैंने क्या करा था यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर, मैंने तो dx by में dt करा था, और dx by में dt किसके बराबर होता है velocity के, तो यानी कि इसको जब आपने इधर सॉल्व करा तो यहाँ तो बन गया velocity dx by में dt, और ये किसके बराबर आ गया आपका 3t के बराबर आ गया, ठीक है यहाँ तक की बात। आगे चले, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, चाहे एक बार और देख लो क्या हो गया यहाँ पर, 3 आगे आ गया 2, यहाँ बच गया आपके पास में t, तो फॉर्मूला क्या बन गया कि दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 60, ये dx बाय में dt बन गया वेलोसिटी, उसकी डिफरेंशिएशन करके क्या आ गया 60। मान लिया कि उस क्वेश्चन वाले ने दे रखा होता कि आपको वेलोसिटी निकालनी है और जो t है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 है, क्वेश्चन में दिया मिलेगा, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर दोगे या फिर जो भी वैल्यू होगी, तो आंसर आ जाएगा कि आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चले, मैं एक बार टाइम देख लूं जरा, ठीक है, इस वाली वीडियो को तो हम यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और हैं, उनको ना हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर लेंगे, ठीक है हमारे पास में। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे कंटिन्यू।